हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में दो इम्पोर्टेंट अपडेट, दो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को देने वाला हूँ, सीबीएसई की रिगार्डिंग, सीबीएसई के रिजल्ट की रिगार्डिंग, सीबीएसई की वेटेज की रिगार्डिंग। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अपडेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो जानना आपको बेहद जरूरी है। दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे पहले अपडेट की। तो अपडेट है दोस्तों वेटेज को लेकर। जी हाँ, जैसे आप सभी को पता है कि बार बार ये मुद्दा विद्यार्थियों स्कूल जो है विद्यार्थी परिषद जो है और साथ साथ जो स्टूडेंट जो एसोसिएशन है, टीचर एसोसिएशन है, पेरेंट्स एसोसिएशन लगातार ये मुद्दे को उठा रहे हैं कि जो वेटेज है वो सेकेंड टर्म का कम कर दिया जाए जबकि फर्स्ट टर्म के वेटेज को बढ़ा दिया जाए। इधर दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी है जो कहता है कि फर्स्ट टर्म के वेटेज कम कर दिया जाए जबकि सेकेंड टर्म के वेटेज को बढ़ा दिया जाए। ऐसे में किसका वेटेज कम होगा, किसका वेटेज ज्यादा होगा, दोस्तों ये तो सीबीएसई अपने आने वाले रिजल्ट के दौरान ही बताएगा। अभी तक इसे कोई कन्फर्मेशन नहीं दी गई है, बट जो खबरें और जो सूत्रों से हवाले से पता चला इसमें कि पहले सीबीएसई ने जैसे कहा था कि 30% जो है फर्स्ट टर्म का वेटेज रहेगा जबकि 70% जो है वो सेकेंड टर्म का वेटेज को रखा जाएगा। बट अब इस वेटेज वाले सिस्टम में दोस्तों थोड़ा फेर बदल होता दिखाई दे रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बहुत सारे जो है जो ग्रुप्स हैं, बहुत सारे जो टीचर्स हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल, जिससे अगर हम बात करें तो विशाल कुमार जायसवाल सर की बात करें, अरुण त्यागी जी की बात करें, तो उनके अनुसार अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि बहुत सारी चीजें जो है 50-50% वेटेज की ओर जा रही है। यानी 50% जो वेटेज रहेगा वो फर्स्ट टर्म का रहेगा, 50% जो वेटेज रहेगा वो सेकंड टर्म का रहेगा। ऐसे तमाम जो पेरेंट्स जो एसोसिएशन, उनका भी यही कहना है। उनका कहना है कि सेकंड टर्म चूंकि सब्जेक्टिव है, ऐसे में विद्यार्थी सही से एग्जाम लिख नहीं पा रहे हैं, उनके पास टाइम की कमी हो पा रही है, वो 2 घंटे में पूरा पेपर नहीं लिख पा रहे। ऐसे में फर्स्ट टर्म के वेटेज को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा और सेकंड टर्म के वेटेज घटा दिया जाए, इस तरह की लगातार मांग उठ रही है। और बहुत से पेरेंट्स और स्टूडेंट एसोसिएशन तो ये भी मांग कर रहे हैं कि बेस्ट जो भी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जो भी बेस्ट होगा उसे ज्यादा महत्व दिया जाए, ना कि दोनों को बराबर महत्व दिया जाए। तो इस तरह से भी रिजल्ट तैयार होने की पूरी पूरी कोशिश है दोस्तों। बट अभी तक इसको लेकर सीबीएसई की कोई ऑफिशियल जानकारी और न ही कोई ऑफिशियल नोटिस आया है। अगर आपको वेटेज के बारे में जानना है तो आपको लगातार दोस्तों सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखनी होगी और वहीं पर सारा चीजें आपको वेटेज के बारे में पता चलेगा, जो भी ऑथेंटिक होगी। और दूसरी बात हम बात करने वाले दोस्तों वह रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट की अगर बात करें, बहुत सारे जो है न्यूज चैनल, बहुत सारे दोस्तों जो है अखबार के माध्यम से अगर हम बात करें तो उन्होंने सीबीएसई के ऑफिस, सीबीएसई के चांसलर से बात करें, उनका कहना है कि आप जो भी का जो रिजल्ट है वो जुलाई के आखिरी सप्ताह या जो लास्ट वीक में भी आ सकता है और जून के जून लास्ट जून तक भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। बट एग्जाम के रिजल्ट की कोई निश्चित तिथि, निश्चित समय, निश्चित डेट अभी तक बताई नहीं गई है। हाँ, अनुमान लगाया गया और सीबीएसई ने इसमें लगातार तेजी भी दिखाई है कि रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए ताकि जो आने वाला सेशन है वो सही समय पर शुरू हो चुके, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से जो स्कूल का सेशन है वो काफी लेट रहा है। ऐसे में इस बार हो सकता है जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर दिया जाए और स्कूल का जो सेशन है क्लास 11th और 12th का वो जुलाई से शुरू हो जाए दोस्तों। तो ये दोस्तों इस दो महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों लगातार ट्विटर पर ट्रेंड भी करवाया जा रहा है कि बेस्ट ऑफ 2 मार्क्स दिए जाए, ठीक है। इस तरह से ट्रेंड भी अगर आप भागीदारी बनना चाहे तो हैशटैग लगाकर इस ट्रेंड का पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।